हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभिनव टीम आपके लिए उपस्थित है आज के पेपर का सॉल्यूशन लेके, बिल्कुल ऑथेंटिक। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच सके। हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास के लिए कोई पूछ रहा है, कल सुबह 9:30 बजे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप हाई कोर्ट एलडीसी के, हाई कोर्ट एलडीसी के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं वो कल से जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैचेस से। स्पेशल हाई कोर्ट एलडीसी का बैच ही चालू होगा। जय श्री श्याम दीपक। हाँ, तो एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। बहुत ही शानदार आज का पेपर रहा है, न ज्यादा टफ था न ज्यादा इजी था। उम्मीद है आप सभी का अच्छा पेपर हुआ होगा, इजी टू मॉडरेट पेपर था आज का। तो आप शेयर कीजिए, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं आज का जल्दी से जल्दी। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब स्टार्ट करेंगे। आपके आने के बाद ही 2:30 का टाइम था, अब स्टार्ट करेंगे हम पेपर को सोल्व करना। तो देखो, चालू करते हैं अपने कार्य क्लास को, तब तक और लोग भी जुड़ जाते हैं। तो देखो, अपने क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं हम पहले। ये क्वेश्चन जो दिखा रखा है मेंडल के अनुसार, एक द्विशंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी में इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, जब हमने मैराथन क्लास ली थी, उस मैराथन क्लास से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस जिसने मैराथन क्लास ली होगी उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था, द्वितीय संतति में लक्षण प्रारूप क्या होगा। इसका सही होगा 9:3:3:1। यदि इसकी जगह आपको द्वि संकर न देके अगली एग्जाम में दे दे एक संकर संकरण, तब आपको इसका सही जवाब बताना है 1:2:1। लेकिन यहां हमसे पूछा क्या गया है, द्विशंकर संकरण जो मेंडल के तीसरे नियम में हुआ था उसके हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ये इसका क्या पूछा है, यहां पे हमें लक्षण प्रारूप पूछा है। जीन प्रारूप पूछ ले तो हम बताएंगे 12:24:12:121। हो सकता है आगे आने वाले किसी एग्जाम में पूछ ले 12, ऐसे लिखना है 12:24:12:121, बीच में अनुपात लगा देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा, खालिस्तान के बीज द्वारा दू जैसी सामग्री बनाई जाती है, चना, मक्का, जो, सोयाबीन। इसका सही जवाब होगा सोयाबीन। और सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, प्रोटीन की। किसकी होती है, प्रोटीन की। अच्छी मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा सोयाबीन। आप जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। अभी जो सही आपका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बार मैं आपको बताता हूं, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन है, विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, विटामिन ए नेत्र प्रतिरोधक होता है और विटामिन के ई डी ए वसा में घुलते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर है 10। ये क्वेश्चन है, बी वर्ग वाला व्यक्ति जिसको ब्लड दे सकता है वो कौन सा है। देखो, जो बी वाला ब्लड दे सकता है वो एक तो होगा बी, बी और ए बी को। किसको दे सकता है, बी और ए बी को ब्लड दे सकता है। ए वाला पूछे तो ए और ए बी को। ठीक है, ये देखिए ज्यादा ही जूम हो गया। बी वाला ब्लड दे सकता है बी और ए बी को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 21। ये रहा, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, भारत में बायो पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है।
अधिनियम 2005 के तहत इसे किया गया था 20 वर्ष के लिए, और बायो पेटेंट में अंतिम संशोधन हुआ था 2021 में। ये क्या होता है, लीगल प्रोसेस होती है जो किसी प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए किसी व्यक्ति विशेष किसी एजेंसी या किसी कंपनी के द्वारा ली जाती है, जिसकी अवधि होती है 20 वर्ष, ध्यान रखना आपको। फिर अगला क्वेश्चन अपना है 27, ये रहा 27, ये तो हिंदी का है, साइंस का अगला क्वेश्चन है 35, ये रहा। एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बार बताया था, उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, छोटा बड़ा सारे अवतल दर्पण में बनते हैं। कल के एग्जाम में भी पूछा गया था ये प्रश्न, तो आपको इसको ध्यान रखना है। यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अपना है अगला 48, ये रहा। वह योगी जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वो होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एल्केन, एल्किल नाइट्राइट या एल्किल साइनाइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रो एल्केन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फिर 64, साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, यदि किसी ने क्लास में बैठ के आराम से सुना भी है ना वो भी सही कर देगा। ये रहा आपके सामने शब्द पारिस्थितिकी, किसने दिया, एच रिटर ने। शब्द पारिस्थितिकी सबसे पहले किसने दिया था, रिटर ने। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक पूछ ले तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, क्या बताओगे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, बहुत बार बताया मैंने आपको क्वेश्चन। ये भी मैंने बताया है, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले छोड़ने पर क्या बनने के कारण काले पड़ जाते हैं, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, क्या बन जाएगा, Ag2S, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, क्लास पे एक बार आप शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ये रहा, डैश आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो किस रोग से पीड़ित होते हैं, तो डैश आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो हाई बीपी, उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं। और डैश का मतलब होता है डाइट्री, डैश का मतलब होता है डाइट्री एडवाइज स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइट्री एडवाइज स्टॉप हाइपरटेंशन। बीपी को कंट्रोल करने के लिए डैश डाइट दी जाती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, तेल की मात्रा कम हो, हाई फाइबर डाइट होती है वो दी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपना 73, क्लास को एक बार सब शेयर करेंगे। अधिकांश रोग जनक जो दस्त के कारण बनते हैं, अतिसार के कारण बनते हैं, वो फैलते हैं ओरल फिको रूट, मतलब मल मौखिक मार्ग, गंदा खाना खाएं या गंदा पानी पिए तो इससे क्या होता है, इससे टाइफाइड होता है, पोलियो होता है, दस्त रोग होता है और होता है हैजा। और पशु के द्वारा जो रोग फैलते हैं जैसे रेबीज है, जो पशुओं के द्वारा फैलता है, ठीक है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 74, असत्य कथन को चुनो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है, ग्रेफाइट विद्युत का प्रवाहित नहीं करता, ग्रेफाइट की संरचना होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको पता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और ये कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये बात गलत है। तो 74 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न आए, क्लास 10th की बुक से बाहर कुछ भी नहीं है, यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो पूरे में पूरे सही करके आओगे। अगला प्रश्न है 74 के बाद 77, ये रहा। कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है, 2KL प्लस Cl2, 2KCl प्लस I2, ये भी नहीं होती, ZnMgSO4, ZnSO4Mg, MgCOCO4, देखो एक A, C और D, ये अभिक्रियाएं तो होती हैं, लेकिन जो ये वाली अभिक्रिया दिखा रखी है ऑप्शन नंबर बी वाली, ये अभिक्रिया नहीं होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 89, ये रहा। कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है,
देखो यहां पे जूट के जो फाइबर होते हैं उनमें लिग्निन भी होता है और उनमें सेल्यूलोज भी होता है, उनमें लिग्निन भी होता है और उनमें सेल्यूलोज भी होता है। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब लिग्निन होगा, क्योंकि लिग्निन की ज्यादा मात्रा होती है, मात्रा सेल्यूलोज की भी होती है। अब इसका मेरे हिसाब से 89 का सही जवाब होगा ए। अब बोर्ड इसका क्या जवाब मानता है वो डिपेंड करता है जिसने ये पेपर बनाया है, जिसने ये आंसर की बनाएगा आगे उस पर डिपेंड करता है। अब फिलहाल हम इसका सही जवाब क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए होता है, इसमें सेल्यूलोज भी है लेकिन लिग्निन भी होता है, तो इसका सही जवाब लिग्निन ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसके हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा लिग्निन। ठीक है, उसके बाद है 97। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, मैग्नीशियम रिबर का, देखो जलना रासायनिक परिवर्तन है, जलना दो, पहले में जलना दूसरे में जलना रासायनिक परिवर्तन, लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना दोबारा से भी प्रश्न आएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का, अच्छे से पढ़ के जाना। फिर क्वेश्चन है 107 के बाद है 108, ये क्या आ गया, उल्टा हो गया, देखो ये 108, ये देखो हमें जैसा पेपर मिला ना उसी के हिसाब से आंसर हम बनाते हैं, तो ये आप मोबाइल को उल्टा करके इसका सही जवाब देखने की कोशिश करना। यहां पे आएगा लाल प्रकाश, सफेद प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, विभगोर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां से केवल यहीं तक पूछता ना तब तो हम इसका जवाब दे देते, ये विभगोर के हिसाब से दे देते, विभगोर दे देते, लेकिन ये वापस इसे निकल गया तो ये श्वेत प्रकाश होगा, सफेद प्रकाश होगा, तो इसका सही जवाब होगा 108 में बी। उसके बाद है 111, ये रहा 111, जो शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाती है वो होती है WBC, श्वेत रक्तकणिका, और WBC को ही बोलते हैं श्वेताणु। ठीक है, पट्टिकाणु क्या बनाती है, रक्त का थक्का, और रक्ताणु बनाती है, बनाती नहीं है, O2 और CO2 का परिवहन करते इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कल से भी यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ब्लड वाले टॉपिक से। उसके बाद है 120, अब आप सीधा कर ले अपने मोबाइल को, ऑप्शन प्रश्न नंबर आ गया आपके सामने 120। सामान्य दृष्टि वाले युवा व्यक्ति के लिए निकट बिंदु, मैंने आपको बताया था निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु का मान होता है अनंत, दूर बिंदु का मान होता है अनंत और निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 120 में हो जाएगा बी। उसके बाद अपना क्वेश्चन है 123, ये रहा कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता, स्टायरिक आता है, लोरिक आता है, पोमिटिक अम्ल आता है, बेंजोइक अम्ल नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी। 123 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल। उसके बाद है 128, ये रहा ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि आनुवांशिकी के लिए मटर पे दिए थे, मटर का वनस्पति का नाम पाइसम सेटाइवम, इसके पहले किस पे किए थे वो भी मैंने आपको बताया था क्लास में किस पे किए थे, ध्यान से पढ़ के जाना, एग्जाम में जेनेटिक्स के बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, 2-3 प्रश्न हर पेपर में आ रहे हैं, तो मटर इसका बोटनिकल नाम होता है पाइसम सेटाइवम। उसके बाद है 128, 128 के बाद है 150, बहुत ही शानदार पेपर आया है, जिसने तैयारी की अच्छे से आराम से वो क्वालिफाइड हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अब की बार अवतल की पूछ ले तो ऋणात्मक, अवतल की पूछ ले तो ऋणात्मक, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तल लेंस किसमें काम आता है, उत्तल आता है दूरदृष्टि दोष में और अवतल आता है निकट दृष्टि दोष में, जो कल की पेपर में आपसे पूछा गया था। तो ये थे अपने साइंस के लगभग 23 से 24 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आमंत्रित करता हूं भीमजी सर को। अच्छा थोड़े क्वेश्चन चलो एक बार मैं करवा देता हूं, मैं आपको केवल उत्तर बताऊंगा, इसके अलावा जो हमारी टीम के सभी सदस्य हैं उन्होंने ये आंसर की तैयार की है, मैं केवल आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। और जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मैंने बता दिया 2, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2/3, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 2/3 भाग मरुस्थलीय है, ऑप्शन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, जो प्रशांत जी सर द्वारा आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा,
उसका जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 5:8। मैं केवल बता रहा हूं आंसर की अपने मैथ के सर ने तैयार की है, किसी कारणवश आज आपके सामने वो नहीं आ पाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5:8। उसके बाद 4 नंबर मैंने आपको बता दिया, साइंस का क्वेश्चन था। फिर है अरुण जल विद्युतीय परियोजना भारत एवं खालिस्तान के सहयोग का परिमाण है, किस किस के बीच में ये चल रही है, तो ये भारत और नेपाल के बीच है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हमने चर्चा कर ली, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है, सहमति, संशोधन, अनुमोदन, परिवर्तन, बताइए क्या होगा। सुनील वाले सर आपको, सुनील जी सर आपको बताते रहते हैं कई बार, उसमें संशोधन हो गया, उसमें यह हो गया, तो वहां से यह है संशोधन, कहो क्या होगा इसका सही जवाब, संशोधन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुपूरक है, बताइए कमेंट करके सही जवाब, अनुपूरक क्या है, अनुपूरक क्या है, अनुपूरक क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्लीमेंट, क्या होगा, सप्लीमेंट, महेंद्र जी सरगे द्वारा तैयार की गई आंसर की। उसके बाद ये लीजिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है और इसमें आपको इसका मान पूछा है, तो इसका सही जवाब आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रशांत सर आपको क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10वां मैंने आपको बता ही दिया है। बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी के रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके सही बताइए, द्वंद, संप्रदान, कर्मधारय, अलूप, तत्स्वरूप, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, शायद मैंने आपको बताया नहीं था, विषम युग्म जी संतान और उसके, मैंने बताया था जब F1PD का क्रॉस उसके जनकों से कराए तो उसे बोलते हैं पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस, लेकिन यहां ऐसा आ जाता कि अप्रभावी जनक से कराए तो आ जाएगा टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण, ध्यान रखना यहां पे क्या लिख दे, एक शब्द का फर्क करे केवल अप्रभावी जनक, तो आ जाएगा परीक्षण संकरण, और यहां प्रभावी अप्रभावी कुछ नहीं आया, पूर्वज आया, इसको बोलते हैं पूर्वज संकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना है 13, इसके ये आपको जलवायु के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा गया, शायद पोपेन का वर्गीकरण है, थोरवेट के वर्गीकरण से क्वेश्चन है ये, इसमें आपको दिया है, आपको बताना है 13 नंबर का सही जवाब, तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जलवायु के वर्गीकरण से क्वेश्चन लिया गया है, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, यहां पे सही जवाब होगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये मुख्यमंत्री का पद नहीं है, ये आपको देख लेना है, सुनील सर के द्वारा तैयार की गई आंसर की है, मैं केवल आपको बता रहा हूं, फिर से कह देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब आपको देना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ही सेड टू मी इज नॉट योर नेम एमडेड, ठीक है अहमद, ये आपको देख लेना है, किसी कारणवश आज आपके सामने महेंद्र सर उपस्थित नहीं हो पाए, तो मेरे को दी गई है जिम्मेदारी, तो कुछ छोटा मोटा ओपनिंग हो जाए तो आपका छोटा भाई समझ के माफ कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसका एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में हुई वृद्धि होगी, कमेंट करके इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन नंबर बी, 72.8%, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 17वां क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर, बहुत ही शानदार प्रश्न, यदि आपने अच्छे से तैयार किया है तो आपको ज्योग्राफी में यदि मैप याद है तो आराम से आप इस प्रश्न को कर दोगे, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हो गया क्या अपना 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप पढ़िए क्वेश्चन को, और इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सही जवाब,
इसका ऑप्शन डी क्या होगा सही जवाब। फिर डिलीट होने के बाद विंडोज की फाइल कहां चले जाते हैं, हम रिसाइकिल करते हैं ना, रिसाइकिल बीन कहां चली जाती है, रिसाइकिल बीन में चली जाती है, वहां पर स्टोर हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वागड़ी बोली राजस्थान के खालिस्तान कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बायो पेटेंट 20 वर्ष के लिए, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था बताइए, हरनावा, पीलीबंगा, डेहरा और सांचौर में, ऑप्शन नंबर डी हरनावा में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत की कमी है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा 23 से ही 1/13%। आप निकाल इसको आराम से क्लास के बाद सोल्व कीजिए और इसे इर्द गिर्द प्रश्न आपको अगले पेपरों में भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसी आपको तैयारी करनी है। अब अगला क्वेश्चन है 24, रीजनिंग का प्रश्न है, मुकेश सर आपको बार बार पढ़ाते रहते हैं घड़ी, तो घड़ी से लिया गया प्रश्न है ये, 36 घंटों में एक घड़ी की सुइया कितनी बार मिलती है, आप इसका कमेंट करके सही जवाब बताइए कितनी बार मिलती है, और इसका सही जवाब होगा 33, इसका सही जवाब होगा 33। उसके बाद देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और कब के हिसाब से बताना, ये 18 दिसंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और इसका सही जवाब होगा राजीव कुमार। सुनील सर ने आपको पॉलिटिकल में या करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ाया था, राजीव कुमार कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके बाद मैथ का प्रश्न है, एक साथ राशि साधारण ब्याज से लिया गया क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका सही जवाब होगा 4400, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए चीटी के पर लग जाना, ये हिंदी का प्रश्न है, कृष्ण सर ने आपको पढ़ाया होगा लोकोक्ति मुहावरे में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ती, अधिक घमंड करना, अपने आप को क्या समझना कि मैं तो पता नहीं क्या हूं, बड़ा ही प्राउडी फील करना, बड़ा ही घमंडी समझना कि जो हूं वो मैं ही हूं, तो इसका सही है चीटी के पर लगना, है ना, चीटी भी उड़ान भरने लग जाती है पक्षियों की तरह। उसके बाद पूछे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, इनमें से बताना है कि कौन से के सारे शब्द ही अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी के सारे शब्द ही कैसे हैं अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी के सारे शब्द ही क्या है अशुद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 2000 में, 2001 में, 2002 में और 3 में, ऑप्शन नंबर डी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये बता देता हूं मैं आपको फिर जल्दी ही आपके सामने, भीम जी सर आ रहे हैं, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, या आप पढ़ते होंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं आमंत्रित करता हूं भीम जी सर को कि वो आइए और अपने हिस्ट्री के बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन कराएंगे आपको, भीम जी सर कुछ ही क्षणों में आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं, बाकी का पेपर सॉल्यूशन आपको भीम जी सर के द्वारा करवाया जाएगा, तो आमंत्रित है भीम जी सर। बिल्कुल सर, नमस्कार दोस्तों, अभी लांबा जी ने आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करवाए हैं, आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले आप वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन है, 31वें नंबर का, कंप्यूटर का है, और जवाब होगा इसका वर्ल्ड रेट, ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। 32वें नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो कि आपका 1920 में शुरू हुआ था और विधिवत रूप से 1921 जनवरी 1921 में विधिवत रूप से शुरू हो गया था। उस समय शेखावाटी में जो संगठन बना था वो था चिड़ावा सेवा समिति। चलो अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का, तो 33वें नंबर का जो उत्तर होगा वो है सी। हाँ जी, हिंदी का क्वेश्चन है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण हो जाएगा प्रमाण वाचक। लो जी 35वां क्वेश्चन है जो आपको लामा जी करवा चुके हैं। हाँ जी 36वां क्वेश्चन है और 36वें क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 नंबर। हाँ जी लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होंगे? तो ऑप्शन बी बैडमिंटन से संबंधित है। 38वां है, निम्न दस्तकारों में से किस टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन होगा मोहनलाल कुम्हार। 39 नंबर का क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्षयान, तो पायोनियर फर्स्ट। लो जी अगला क्वेश्चन है अपने पास 40 नंबर का, और 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, जालीबा बावड़ी और मामा देव कुंड का निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो याद होगा आपको मरणा कुंभा की हत्या, तो मरणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा के द्वारा मामा देव तालाब जो कि किसमें है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो कौन देंगे? राज्यपाल को देंगे भाई। हाँ जी निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षतः संबंधित है? तो पॉलिटिकल का है और ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सैल्यूट फर्स्ट है, तो सैल्यूट फर्स्ट है अंतरिक्ष स्टेशन। हाँ जी लो जी 44वें नंबर का क्वेश्चन है और 44वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा खतन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? तो राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान का प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। सही बात है, राज्य की सविवेक शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सही बात है, राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही बात है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल का सचिवालय कार्यरत है, ये गलत बात है। तो जवाब होगा डी। हाँ जी विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को उठाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। हाँ जी किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जी दो नंबर शॉर्टिंग। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? 2015-16 में। हाँ जी 48वां हो गया। हाँ जी 49 नंबर का देखे, निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी भाई। हाँ जी ये लो जवाब होगा इसका ए। 52 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? हाँ जी तो कब बांटेंगे, 2000 में बांटेंगे भैया। अगला है 53 नंबर का क्वेश्चन, तो 53 नंबर का क्वेश्चन का जवाब होगा बी बियॉन्ड। कौन सी पर्वतारोही 8000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो कौन है, प्रियंका मोहिते।
हाँ जी 55 नंबर है, कप्तान एम सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, या प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, तो इस समूह में कप्तानों की संख्या होगी, तो कप्तानों की संख्या हो जाएगी 75। पथ भ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? हाँ जी, तो पथ भ्रष्ट में हो जाएगा आपादान तत्पुरुष डी। 57, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी रोजगार बेरोजगारों को कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिन। और जो भी आपकी राजस्थान परिवहन बस है रोडवेज, उसके पीछे लिखा हुआ है। हाँ जी, 58वें नंबर का क्वेश्चन है, डीबीएमएस में डाटा के कॉन्टेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? बी, मेटा डाटा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, और 59 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4 नंबर, बॉटनी। 60 नंबर में आइए, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो किसमें हो जाएगी? हाड़ौती क्षेत्र में हो जाएगी। 61 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर ए सही जवाब होगा। आह्वान शब्द का विलोम शब्द है? हाँ जी, आह्वान का हो जाएगा विसर्जन। हाँ जी, ये लामा जी के द्वारा करवा दिए गए हैं। हाँ जी, तो कितने नंबर का हो गया? 65। 65 नंबर में राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा डिजिटल लर्निंग से। हाँ जी, 66 नंबर में आइए, डीआरडी को अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। डीआरडी को अध्यक्ष है इस समय कौन? समीर वी कामत। ये करवा दिया आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शो कहा जाता है वह नदी होगी? दामोदर नदी। 69, हाँ जी 69 में हो जाएगा 4 नंबर, ना हानि ना लाभ। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो देखिए, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय दुस्साहस में प्रत्यय नहीं है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है, तो अनुपात हो जाएगा आपका जवाब होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? हाँ जी, तो आवेदन पत्र सरकारी पत्रावली में शामिल नहीं है। हाँ जी, 74, 75, 73 वाला हो गया, 75 में आइए। हाँ, तो 75 वाला क्वेश्चन है, दो लंबी आवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात होगा? तो हो जाएगा डी, 5:6 और 5:9। हाँ जी, यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना कहा जाता है, तो पटना को कटक कहा जाता है, तो कटक को भोपाल कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? बिहार की राजधानी हो जाएगी कटक। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया लांबा जी के द्वारा करवा दिया गया है? हाँ हाँ जी, तो 78 में जवाब हो जाएगा 2 नंबर बी। मोकड़ी क्या है? मोकड़ी होती है लाख की चूड़ियां, और मोजड़ी क्या होती है? मोछड़ी, मोजड़ी जूतियां होती है। हाँ जी, 80 नंबर में ऑप्शन होगा बी। 81 नंबर में आ जाइए, अजरक प्रिंट राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध होगा? तो अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है बाड़मेर को। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों पे कार्य कर सकता है? तो कौन सा होगा? संचार डिवाइस होगा। हाँ जी, 83 है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया था? हाँ जी, तो जोधपुर में हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से किसने 8-10-2022 को कुआलालंपुर आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो हो जाएगा पंकज आडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दी गई है? HDFC।
हाँ जी 19 लड़कों की एक पंगति में महेश भाई ओर से 12वां तथा सुरेश दाई ओर से 12वां है, तो दोनों के मध्य कितने लड़के होंगे? तो दोनों के मध्य हो जाएंगे 3। हाँ जी, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है? तो कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, ये लांबा जी के द्वारा करवा दिया गया। हाँ जी, 90 में हो जाएगा -1। 91 में नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट मौजूद नहीं है? तो हो जाएगा कौन सा? बी। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है? तो हो जाएगा इसमें फिल्टर्स। 94 नंबर है, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हाँ जी, 95 नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें ऑप्शन सही जवाब होगा आपका ए। हाँ जी, अति आद्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो हो जाएगा देखिए उत्तरी चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन लांबाजी के द्वारा करवा दिया गया? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान, तो आधार का मान होगा इसमें 16। हाँ जी, 99, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौड़ की ओवरी के नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएंगे महाराणा जगत सिंह प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? हाँ जी, तो सबसे नवीनतम इनमें से हो जाएगी शिवालिक। हाँ जी, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? रोम, रोम का हिस्सा हो जाएगा। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो किसके साथ परामर्श करेगा? मुख्यमंत्री के साथ, सॉरी, किसके साथ करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, तीनों के साथ हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? हो जाएगा कौन सा? बचपन और योग्यता। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। 106 में आ जाएगा कृष्णा कुमार गोयल, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा कृष्ण कुमार गोयल। हाँ जी, तो ये तो शायद लांबा जी ने करवा दिया था आपको। हाँ, तो 108 नंबर, 107 नंबर वाला हो गया था। हाँ जी, 107 नंबर का क्वेश्चन है, 107 में हो जाएगा इंद्रावती नदी की फल, नहीं घूमेगा ये, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो इंद्रावती की सहायक नदी है गोदावरी। हाँ, तो इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसमें देखिए 110 नंबर, तेरह ताली नृत्य होता है कहां? रामदेव जी का मेला, रामदेव जी से संबंधित होगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है, लांबा जी ने करवा दिया है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपए में भोजन उपलब्ध होता है? 8 रुपए में। भारत में शंकुधारी वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो कौन से हो जाएंगे? पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में हो जाएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका 114 नंबर का, एलसेस बालिस्टी को नोबेल शांति का पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था, तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? बेलारूस। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
ग्रामीण रोजगार स्कीम कब शुरू की गई थी? तो इसमें हो जाएगा एक नंबर 2 अक्टूबर 2009। हाँ जी, शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 दिसंबर 2022 को किस देश को मिली है? तो हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर का, उज्बेकिस्तान। हाँ जी, विषम को छांटिए, रूबल, रियाद, रियाल और टका, ये करेंसी है, तो कौन सी इसमें करेंसी नहीं है, करेंसी रियाद करेंसी नहीं है। हाँ जी, 118 में उत्तर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही थी? तो हो जाएगा 1971 और 81 में, सामान्य दृष्टि वाले युवा हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में नहीं है? तो जोधपुर में बोराडाड़ा है, मंडोर है, पाल शिल्प ग्राम है, नापा शहर है, नहीं है भाई। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है आपका, 5 सेमी बुझा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई हो जाएगी 5 सेमी। हाँ, अगला है, ये लामबाजी ने करवा दिया, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण जो होता है वो होता है गेर नृत्य। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स किसकी होगी? ये सरकारी उपक्रम है। हाँ जी, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा में किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं। नड क्या है? नड होता है एक लंबी बांसुरी जो कि सुसिर वाद्य के अंतर्गत आती है। हो गया ये वाला, हो गया है आपका। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो आहड़ का उत्खनन हुआ था किसके नेतृत्व में? H.D. सांकलिया, हंसमुख धीरज लाल सांकलिया। अमरसाई किसका नाम है? तो अमरसाई क्या होती है? पगड़ी होती है। हाँ जी, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? हाँ जी, तो देखते हैं, देखिए, इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना है। बिल्कुल है, इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है। बी गलत जवाब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। हाँ जी, राजस्थान का कौन सा जिला अति आद्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अति आद्र होगा कोटा। कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही अक्टूबर 2022 में मृत्यु हुई है? हो जाएंगे कौन, कर्नल प्रेमचंद। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS Excel में नहीं है? तो कौन सा होगा, लेबल नहीं होता। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? हाँ जी, तो 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है? हाँ जी, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध होता है किससे, क्रिकेट से। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? तो जवाब होगा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, तो कौन सा, किरण, किरण नहीं है। ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र जो भी बीकानेर में है। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ऋक धन वेद सही हो जाएगा। हाँ जी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश नहीं है कि संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है वह है, कितने हो जाएंगे,
सात, हाँ जी 144वें में उत्तर होगा ए। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को निधन हो गया है? तो हो जाएगा गुलाम अब्बास मुंतशिर। 146 गोडावन कहां पाई जाती है? तो गोडावन पाए जाते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? तो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है अनुच्छेद 159। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो 20% होना चाहिए। हाँ जी डू यू स्पीक इंग्लिश, इसमें हो जाएगा क्या ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि लांबा जी करवा चुके हैं, धन्यवाद, और आशा करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और कल से फिर एक बार अपन नियमित रूप से क्लासों में जुड़ेंगे।